कोल इंडिया में जमीन के बदले नौकरी नहीं तो झारखंड से एक छटाक भी कोयला बाहर नहीं जाएगा, ऐसा कहा है भुवनेश्वर महतो ने। अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ के केंद्रीय अध्यक्ष रोशन लाल चौधरी ने रजरप्पा स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कोल इंडिया ने जमीन के बदले नौकरी नहीं देने का जो निर्णय लिया है वो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे फरमान जारी करने से पूर्व जमीन के रैयतों के बारे में गंभीरता से विचार होना चाहिए। आगे कहा है कि हम ऐसे रैयत विरोधी फैसले का खुलकर विरोध करते हैं। अगर कोल इंडिया इस पर गंभीरता से विचार नहीं करेगा तो फिर अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ चरणबद्ध तरीके से जोरदार आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएगा। मौके पर रविंद्र वर्मा, नंद किशोर दास सहित संगठन के दर्जनों लोग मौजूद थे। कोल इंडिया के द्वारा जो नई एनयूटी स्कीम लाई गई है, जन विरोधी नीति, उसका हम लोग विरोध करते हैं और कोल इंडिया से मांग करते हैं कि जिस तरह पहले विस्थापितों को जमीन के बदले नौकरी मुआवजा दिया जाता था उसी तरह दिया जाए, बल्कि पहले जो 2 एकड़ में दिया जाता था उसकी सीमा को तोड़ा जाए और जिसकी जितनी कम जमीन है जो आश्रित है सभी विस्थापितों को नौकरी दिया जाए। कोल इंडिया केंद्र सरकार ने जो यह नीति जनता के बीच थोपने का जो काम की है हम लोग इसका विरोध करते हैं। यदि इस जन विरोधी नीति को कोल इंडिया प्रबंधन और केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है तो अखिल झारखंड कोयला श्रमिक संघ जोरदार आंदोलन करेगी। इसके लिए यदि CCL कोल इंडिया यूनिट को बंद भी करना पड़ेगा तो हम लोग जोरदार विरोध करते हुए बंद करेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज योर पुनीत वशिष्ठ एंड यू आर वॉचिंग स्टार डी न्यूज। कीप वॉचिंग। Hi, this is Kabir Sadananda. You're watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं Star D News. हर खबर का असर।